तो बोलिए दादी माँ। साउथ अफ्रीका, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे कोशिश करनी होगी दादी माँ। ये कोशिश बहुत खतरनाक साबित हो सकती है बेटा। जादू मदद लाने गया है ना? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी प्यारी दादी माँ, आपको भी पता है ये मेरा फर्ज है, मुझे जाना ही होगा। अगर अगर पापा यहाँ होते तो वो भी यही करते। लेकिन कृष्णा, मुझे पता है आपको डर है, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी दादी माँ के आशीर्वाद की जरूरत है। जब हमारी सारी दुनिया खतरे में है, तब घर बैठने से क्या होगा? गुड बाय। तुम कभी नहीं सुधर सकते कृष्णा। इस मिशन में बहुत खतरा है मिंग्यू। वही तो मैं कह रही हूँ, आखिर सुपर हीरो को भी तो सुपरविजन की जरूरत होती है। सुपरविजन? और मुझे? हाँ बिल्कुल, मेरी स्किल्स के साथ तुम सेफ रहोगे। और दूसरी बात, मैं साउथ अफ्रीका कभी नहीं गई। दुनिया को बचाने के बहाने मेरी साइट सींग भी हो जाएगी। तुम्हारे साथ कोई नहीं जीत सकता मिंग्यू। तो कोशिश ही क्यों करते हो? मान क्यों नहीं लेते कृष्णा? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, राइट? मिंग्यू, अब संभल के, तुम्हें ये पावर्स कंट्रोल करने होंगे। रेडी? रेडी, गो फॉर इट। वाओ, ये हुई ना बात। अब चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। जो साउथ अफ्रीका पहले पहुंचा वो जीता। Shakalaka bum bum, shakalaka bum bum, Africa chale tum hum hum tum. Shakalaka bum bum, shakalaka bum bum, Africa chale tum hum hum tum. Gagan gagan, chume magan magan, chume badalon ki gaddi jo pe sanan sanan ghume. Gagan gagan, chume magan magan, chume badalon ki gaddi jo pe bhul gaye sanan ghume. Shakalaka bum bum, shakalaka. मिंग्यू, तुम पागल हो। सो तो मैं हूँ। ठुमक ठुमक चली, हाथी है या कश्ती, साथ साथ ले लो हमें, साथी है ना कश्ती, मछली जी जल की। मिंग्यू, ये देखो या कश्ती, अपने तो सपने ही है हमारी कश्ती। कितना खूबसूरत है। इन सुपर पावर्स के साथ मैं पूरे साउथ अफ्रीका की साइट सीइंग आराम से कर पाती। क्यों? मजाक कर रही हूँ,
सुपर हीरो को हमेशा सीरियस होना जरूरी है क्या? मुझे पता है तुम किस जरूरी काम से आए हो किड क्रिश। सुपर हीरो होने में कितना मजा है। सर, गोजोनियंस लौट आए हैं। हमारा यकीन कीजिए। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये ककून, ये हमें पृथ्वी से मिला। हमें लगता है ये ककून गोजोनियंस के प्लान से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे वो हम नहीं जानते। सबसे पहले तुम तीनों इस शिप के रूल्स तोड़कर बिना परमिशन पृथ्वी गए, और अब ये। चीफ, मैं सिर्फ अपने पापा का मिशन कंप्लीट करके उन्हें बचाना चाहता था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता जादू, लेकिन ये कुकून हमें सावधानी से काम लेना होगा और इसे इंटरगैलेक्टिक काउंसिल को दिखाना होगा, वरना नहीं, मेरे साथ चलो। हाँ, ये हमें डिटेंशन सेंटर की ओर ले जा रहे हैं। टोटो, ट्रैकर पैड दो मुझे। इट्स अ मैच। ये डॉक्टर पारा के टेक्नोलॉजी से मैच हो रहा है। इसका मतलब वो उनमें से एक है। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं। कृष्णा, ये तो पोंडा के डैड है ना? साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक लायंस क्राउन पर्वत पर मैंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर यहाँ एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हमें ये अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। आरबीएन हमेशा से एक जिम्मेदार कॉपरेशन रहा है। सर, लेकिन आपको बोंडा अम्यूजमेंट पार्क अटैक के बारे में क्या कहना है? वहाँ अगर किड क्रिश नहीं होता। पहले बीजिंग, उसके बाद रूप बोंडा अम्यूजमेंट पार्क। किड क्रिश जहाँ देखो वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है। क्या हमें ऐसे सुपर हीरो की जरूरत है जो कानून की परवाह ना करे, हमारे बच्चों के लिए बुरा रोल मॉडल हो? मैं कहता हूँ अगर आपको किड क्रिश दिखे तो उसे फौरन पुलिस के हवाले कर दीजिए। रूप बोंडा जैसे मीडिया टाइफून को लायंस क्राउन के साथ क्या लेना देना? यहाँ कुछ और ही चल रहा है मिंग्यू। हमें लायंस क्राउन जल्द पहुँचना पड़ेगा। चलो कृष्णा। ठहरो, पहले वहाँ क्या चल रहा है ये जान लेना बहुत जरूरी है। लायंस क्राउन के चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं। उनसे लड़ना किड क्रिश के लिए बहुत ही आसान होगा। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? उनके हथियार एलियन मालूम होते हैं। शायद वो मेरी शक्तियों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमें उनको चकमा देकर आगे बढ़ना होगा। लगता है तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कोई प्लान पक रहा है। वाओ, इन्हें मैंने सिर्फ टीवी पे देखा था। गला ठीक है? कृष्णा, तुमने इनसे क्या कह दिया? ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं।
मैंने इनसे कहा, हे दोस्त, हमें लायंस क्राउन पहुंचने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारी धरती पर एक एलियन अटैक होने वाला है। ये सब जानते हैं कि धरती को खतरा है, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। वाओ मिंग्यू, जानवर हम इंसानों से कहीं ज्यादा इवॉल्व होते हैं। ये वो सेंस कर सकते हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते। मिंग्यू, क्या तुमने कभी एलिफेंट की सवारी की है? ये लो, एलिफेंट की सवारी भी कर ली। हाँ? नहीं, यकीन नहीं हो रहा, सारे जानवर इस तरफ आ रहे हैं। क्या? कमिन यूनिटू, ये किट क्रिश का काम लग रहा है। क्या तुम्हें किट क्रिश? रूप बोंडा गुजोनियन से मिला हुआ है। मैंने कहा था ना, मामला कुछ और है। मिस्टर मीडिया मोगल, ये कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे रूप बोंडा के बिल्कुल पीछे ही एंट्रेंस में अंदर जाना होगा। ये कह रहे हैं कि लायंस क्राउन के अंदर जो भी गया है वो कभी लौटा नहीं है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ किट क्रिश। नहीं मिंग्यू, लायंस क्राउन के खतरों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे दोस्तों के साथ यहीं रहना होगा, ये हमारे मिशन के लिए जरूरी है। ये सीमा हमें बाहर रखने के लिए बनाई गई थी। अगर हम अंदर कदम रखेंगे तो पूरा माउंटेन कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ह्यूमन सेंडाइल के साथ इसमें एंटर कर सकता है। अब ब्लू डायमंड को हासिल करना तुम्हारे ऊपर है रूप बोंडा। ये सेंडाइल तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें शक्तिशाली बनाकर सारी कठिनाइयों को पार करने में तुम्हारी मदद करेगा। जब ब्लू डायमंड तुम्हारे हाथ लग जाएगा तब हम लायंस क्राउन में प्रवेश कर सकेंगे। हमें जाना होगा, शायद हमारी मौजूदगी में दरवाजा ना खुले। यही मौका है। बचाओ, बचाओ, जादूकियन आर्मी चीफ असल में गुजोनियन है। टोटो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुन सकता। हम इनर डिटेंशन सेंटर के सेल में हैं, समझे? हाँ? क्या बात है जादू? पापा, क्या आप मुझे सुन सकते हो? फोर्स फील्ड कैप्टन बोरो को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए मेरी ब्रेन वेव्स नहीं पहुंच रही।
तुम इसे तोड़ सकते हो? मुश्किल है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए फोर्स फील्ड को कमजोर कर सकता हूँ। हाँ, कुछ सेकंड्स काफी है टोटो, आपको मेरी आवाज सुननी ही होगी पापा। अभी पापा जादू। तुमने हार नहीं मानी जादू, तुम तीनों ने, मुझे गर्व है तुम पर। ये ब्लू डायमंड लेने की चाबी है। कामयाबी हमेशा रूप बॉन्डा के कदम चूमती है। हमेशा। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर बॉन्डा। किड क्रिश, पहले आपको मुझसे लड़ना होगा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो मिस्टर बॉन्डा। रूप बॉन्डा कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे कोई सुपर पावर्स नहीं बचे बच्चों, अब तुम एक मामूली इंसान से भी कमजोर हो। आई होप तुम्हें तैरना तो आता होगा सुपर हीरो। काउंसिल को अलर्ट करना होगा। कैप्टन पारोक, तुमने इंटरगैलेक्टिक काउंसिल के रूल्स तोड़कर हमें कांटेक्ट किया है, इसका नतीजा जानते हो? ऑनरेबल काउंसिल, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एक इमरजेंसी की घड़ी है।
गोजोनियंस यूनिवर्स को अपने कब्जे में करने का प्लान बना रहे हैं, अपनी कौम को दोबारा जागृत करके। गोजोनियंस, उनकी कौम तो खत्म हो चुकी है कैप्टन पारोक। मेरा यकीन मानिए, कुछ गोजोनियंस जिंदा हैं और उनके कई जासूस पृथ्वी तक पहुंच चुके हैं। उनका एक जासूस हमारे बीच मौजूद है। जादरुकियन आर्मी चीफ असल में एक गोजोनियन है। तुम एक हाई रैंकिंग ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पापा सच बोल रहे हैं। पृथ्वी पर हमें गोजोनियन प्लान के कुछ सबूत मिले और जब हमने आर्मी चीफ को ये बात बताई, उसने हमें डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया। आर्मी चीफ को शिप पर लोकेट नहीं किया जा रहा, वो लापता है। ये देखो कैप्टन पारोक, तुम्हारा शक सही निकला। हमारे रिपोर्ट्स पृथ्वी पर गोजोनियन बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट कर रहे हैं। गोजोनियंस के खतरे का जल्द से जल्द सामना करने के लिए कि सारे इंटरगैलेक्टिक फोर्स को पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयार किया जाए। पृथ्वी को फौरन तबाह करना होगा, वरना सारा यूनिवर्स नष्ट हो सकता है। प्लीज, पृथ्वी पर हमारा दोस्त गोजोनियन को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, प्लीज। मेरी काउंसिल से दरख्वास्त है कि मुझे पृथ्वी पर खुद जाकर गोजोनियंस को रोकने की इजाज़त दी जाए। मेरा पृथ्वी पर पहला मिशन भले ही अधूरा रहा हो, लेकिन मैं पृथ्वी और गोजोनियन रेस से वाकिफ हूँ। मेरी जानकारी के साथ मैं गोजोनियंस को हरा सकता हूँ। कैप्टन पारोक, परमिशन ग्रांटेड। लेकिन ध्यान रहे कैप्टन पारोक, तुम्हारे पास गोजोनियंस को रोकने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। अगर तुम नाकामयाब रहे तो इंटरगैलेक्टिक सेना पृथ्वी को नष्ट कर देगी।